इंटीग्रेशन साइन वाई स्क्वायर रूट ऑफ वाई इंटू वाई प्लस वाई वन ओवर वाई डी वाई। सो इसको शुरू करते हैं हम क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे लाइन लगा लें, ये इंटीग्रेशन साइन, ये जो वाई स्क्वायर रूट है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले वाई से, ये वाई यहाँ पे लिख दें, प्लस आ जाएगा वाई रूट और नीचे आ जाएगा वाई और ये डी वाई। अब इसको थोड़ा सा और हम करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई ओवर डी वाई, सॉरी ओवर ओवर वाई, यहाँ पे डी वाई आ गया, प्लस का साइन लगाएंगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा वाई रूट डिवाइडेड बाय वाई, दोनों के नीचे हमने अलग लिख दिया डी वाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाई को वाई से कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास वाई रूट डी वाई प्लस, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जब एक रूट कटेगा तो एक बच जाएगा, वन ओवर वाई रूट आ जाएगा, क्योंकि ये जो वाई होता है ना वाई, हम इसको लिख सकते हैं रूट वाई मल्टीपल रूट वाई, तो एक बार कटेगा तो एक वो बच जाएगा, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, ये देखिए इंटीग्रेशन साइन वाई की पावर है वन ओवर टू डी वाई प्लस, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं वाई की पावर नेगेटिव वन ओवर टू डी वाई, क्योंकि ये इसकी वन ओवर टू होती है, स्क्वायर रूट की पावर ऊपर जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा। तो अब हम क्या करने लगे हैं जी, अब हम यहाँ पे ये करने लगे हैं इंटीग्रेशन करेंगे, ये देखें वाई की जो इंटीग्रेशन है वो आ जाएगी वाई जो है पावर वन ओवर टू प्लस वन आ जाएगा यहाँ पे ओवर, वही वाली पावर हम कर रहे वन ओवर टू प्लस वन करके इधर लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्लस, सिमिलरली वाई की पावर नेगेटिव वन ओवर टू है प्लस, यहाँ पे वन कर देंगे नेगेटिव वन ओवर टू प्लस वन कर देंगे प्लस सी कर देंगे, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा, ये देखिए वाई टू द पावर आ जाएगा थ्री बाय टू, यहाँ पे भी आ जाएगा थ्री बाय टू और प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पे, वाई की वैल्यू आ जाएगी वन ओवर टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी वन ओवर टू आ जाएगा प्लस सी, क्योंकि ये रेसिप्रोकल के नीचे फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, ये टू ओवर थ्री हो जाएगा जब ऊपर जाएगा, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी थ्री बाय टू, प्लस का निशान लगाएंगे आप और ये टू इधर आ जाएगा वाई की पावर वन ओवर टू और ये प्लस सी। तो दोस्तों ये आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल है, थोड़ा सा आपको इसमें कोर करना है।